नमस्कार दोस्तों, HFCL का शेयर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों टेलीकॉम सर्विस से रिलेटेड यहाँ पर शेयर है और दोस्तों यहाँ पर 667 रुपए की शेयर की यहाँ पर गिरावट के साथ देखने को मिल रहा है। 667 रुपए 55 पैसा 1 रुपए माइनस की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक में 1.55% की 1 डे की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है। टेलीकॉम सर्विस से रिलेटेड यहाँ पर स्टॉक देखने को मिल रहा है HFCL का शेयर। दोस्तों यहाँ पर सप्ताह के यानी कि वीकली हिसाब से देखे तो जो स्टॉक वीकली का है तो यहाँ पर स्टॉक वीकली गिरावट देखने को मिली है। सपोर्ट भी ब्रेक करता हुआ देखने को मिला है। ब्रेकडाउन यहाँ पर वीकली का सपोर्ट भी ब्रेकडाउन के साथ देखने को मिला है। 0.35 पैसे की स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है और 0.52% की स्टॉक में गिरावट है। मंथली के साथ देखें तो स्टॉक यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट बनाने की संभावना बना सकता है। दोस्तों 67.10 रुपए पर स्टॉक ने यहाँ पर पिछला भी सपोर्ट लेकर अच्छा खासा है मोमेंटम बनाया था। 65 रुपए पर स्टॉक का जब मेन सपोर्ट 65.10 पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक यहाँ से बाइंग साइड मोमेंटम करने की संभावना है बना सकता है। अपसाइड मोमेंटम जाने की मोमेंटम बना सकता है। दोस्तों यहाँ पर 2.35 रुपए की गिरावट है। 3.42% की 1 महीने की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रहा है। दोस्तों 1 ईयर की बात करें तो स्टॉक में गिरावट होने की संभावनाएं भी बन सकती है। 10 रुपए की गिरावट है और 14% की स्टॉक में गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों 1 ईयर की गिरावट है, मोमेंटम धीरे धीरे अपसाइड लॉन्ग टर्म में देखने को मिल रहा है। दोस्तों 5 ईयर के चार्ट में देखें तो स्टॉक यहाँ पर पिछले सब कुछ साल से यहाँ पर स्टॉक 2 बार सपोर्ट बनाया है। दोस्तों तो यहाँ पर 65 रुपए 56 रुपए पिछला सपोर्ट है और 58 रुपए पिछला सपोर्ट है। यहाँ पर इस बार भी स्टॉक 64 रुपए पर स्टॉक सपोर्ट बनाकर हाई मोमेंटम बनाने की संभावना है बना सकता है। दोस्तों ऑल टाइम के साथ स्टॉक बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम करता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक 67 रुपए यहाँ से अपसाइड मोमेंटम जाने की संभावना बना सकता है। दोस्तों यहाँ पर बात करें तो स्टॉक का टुडे लो 65 रुपए है और टुडे हाई 68 रुपए 10 पैसा देखने को मिल रहा है। 52 सप्ताह का लो 55 रुपए 75 पैसा, 52 सप्ताह का हाई 88 रुपए 80 पैसा देखने को मिल रहा है। दोस्तों 9,650 करोड़ की कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है और 8.5% का रिटर्न ऑफ इक्विटी देखने को मिल रहा है। दोस्तों दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाजार में निवेश करते हैं इसमें वित्तीय जोखिम की संभावना हो सकती है, कृपया अपनी जिम्मेदारी पर बाजार में निवेश कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।